आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप एक घर खरीदे किसी से और घर में घुसने के बाद आपको यह पता चले कि घर में एक ऐसी चीज छुपी हुई है, एक ऐसी चीज कि जब वो चीज आपको दिखेगी तो आपकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आ सकता है। इसलिए घर खरीदने से पहले घर को अच्छी तरह से ढो बजा के देख ले, खास करके दीवारों को, क्योंकि घर बेचने वाला ना जाने कौन कौन सा गुनाह वहां छुपा के गया। संभाल के देखना, कहानी जरा हिला देने वाली है। दीपक, तुमने फिर कुछ कर दिया। दीपक, तुमने क्या किया? लगता है प्लग निकल गया। क्या हुआ? लगता है तुमने प्लग निकाल दिया। अच्छा, देखता हूँ। हाँ, अब ठीक है। दीपक, तुम हेल्प तो करा नहीं सकते, काम तो खराब मत करो ना। अरे यार, पैर लग गया होगा। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। तुमने तो पूरे घर की काया ही पलट डाली। लग ही नहीं रहा कि हम कल ही यहाँ आए। देखा ना, कर दिया ना सब एक ही दिन में। मेरी प्यारी प्यारी सी वाइफ कितनी समझदार है। कभी देखा है किसी लड़की को ड्रिल करते हुए? ना बाबा ना, मुझे ड्रिल विल से बहुत डर लगता है। बहाने हैं बहाने, सब जानती हूँ। गुस्से में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। दिल कर रहा है कि तुम्हें किस कर लूं। तुम भागो यहाँ से। नहीं भागो। मैं ये लगा लूंगी। मैं फिर भी करूंगा। मैं कहाँ हूँ? प्लीज सर, आप मजाक मत कीजिए। सर, ये विवेक है। आप कौन है बहन जी? हाँ? बहन जी? सर, अरे सर, आप नए घर में जा रहे हैं? अरे ये यहाँ पे कैसे आ गया? अभी अभी तो मैं इस बिल्डिंग में था। सर, आप सपना देख रहे थे? 40 फ्लोर की बिल्डिंग? हाँ, मैंने देखा कि मैं 40वें फ्लोर पे हूँ। घर बहुत बड़ा है, 2-2 बेडरूम है। एक बेडरूम में मेरी वाइफ बैठी हुई है। मैं अपनी बेडरूम की तरफ जा ही रहा था कि मैंने देखा घर में 4-4 बाथरूम है। 4-4 बाथरूम? हाँ। फिर क्या हुआ सर? फिर मैंने एक बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खोला, मुझे शॉक लग गया। क्या सर? अरे बाथरूम में कमोड की जगह पे बेड रखा हुआ था। बेड लगा हुआ था बाथरूम में? बेड? सर, बेड में होल था। वो तो देखा नहीं, लेकिन बाथरूम में एक और दरवाजा था। मैंने दरवाजा जैसे ही खोला, वहां पे कुछ नहीं था। मैं सीधे नीचे गिर गया 40वें फ्लोर से। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। सर, फ्रेडी सर 40वें माले से नीचे गिर गए सर। 40 माले से? कुछ टूटा फूटा तो नहीं है? फ्रेडी सर सपना देख रहे थे नए घर का। सर, मुझे भी एक नया घर चाहिए सर, एक बड़ा घर। अच्छा, पार्टी देगा? पार्टी वाइफ से पूछना पड़ेगा सर। अरे यार, फिर वाइफ?
हेलो सीआईडी ब्यूरो, व्हाट? दीवार में मुर्दा? जी सर। ज्यादातर मुर्दों को लोग जमीन में गाड़ते हैं या दीवार में गाड़ते हैं। सर ये मुर्दा बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, लगता किसी ने मुर्दे को ऐसे गोद में उठाया होगा और यहाँ दीवार में रख दिया और बाद में ये प्लास्टर कर दिया। सर दीवार मोटी है, है? नहीं सर, दीवार के बाहर एक और दीवार बना दी है। अच्छा ये क्या है? सर ये इसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये लेडीज पर्स है सर। लेडीज पर्स? क्या ये मुर्दा किसी लड़की का है? बैग लड़की का है तो शायद मुर्दा भी लड़की का ही हो। पैर लगते हैं। सर देखो जरा इस बैग में कुछ है क्या? पैसे, नेकलेस, इयररिंग्स? तो वैसे के वैसे ही पड़े सर। मतलब ये खून लूटने के लिए नहीं किया गया, शायद किसी दुश्मनी की वजह से हुआ है सर। ये आपका ही घर है ना? जी। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग कल ही आए हैं। कल ही आए? ये फोटो फ्रेम लगा रही थी तो प्लास्टर गिरा और ये दिखा। इसे पहचानती हैं आप? जी नहीं। आपने खरीदा है ना ये बंगला? जी, सस्ते में मिल रहा था। आपसे पहले यहाँ कौन रहता था कुछ मालूम? जी नहीं। किससे खरीदा है ये बंगला? अरुण नाम का आदमी था। मैंने कितने साल से पड़ा होगा ये कंकाल दीवार के अंदर? ये तो सारों के ही बता सकता है, ये हमारे पास का काम नहीं है। क्या नाम बताया था उसका जिससे लिया ये बंगला? अरुण सर। क्या हुआ इस तरह अचानक से? सर सीआईडी वाले आए हैं। क्या सीआईडी? हाँ आपके ऑफिस में। आप लोग यहाँ? सर मैं जाती हूँ, एक्सक्यूज मी। सर सुबह सुबह यहाँ इतनी सुहानी खुशबू। हाँ दया, सारा मूड ताजा हो गया मेरा, अचानक अचानक खुश हो गया मैं। ये कैसी खुशबू है अरुण जी? सर वो जो मेरी सेक्रेटरी है ना, वो जो परफ्यूम लगाती है ना, ये उसी की खुशबू है सर। ये परफ्यूम तो मैं जरूर खरीदूंगा अरुण जी। सर क्या बात? सर ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? सर ये विस्की की खुशबू है। क्या सर यहां से आ रही है? दिन में ही दारू? सर वो एक्चुअली लाश देखिए, लाश। लाश? हाँ, खून से लथपथ लाश। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग हर चीज का पता लगा सकते हैं। सीमेंट कहां से खरीदा था, ईंटे कहां से लाई थी। सर ईंटे भी रखी है। हाँ ईंटे, जो बंगला उस बेचारे दीपक और उसकी वाइफ अंजलि को बेचा है
जिसके अंदर एक नकली दीवार बनी है, उस पे लगाई गई एक एक ईंट का हिसाब देना होगा। सर बंगला बना था 40 साल पहले, वहां ईंट पत्थर कहां से आए सर, ये कौन जानता है सर? लाश कहां से आई दीवार में? लाश सर ये देखिए सर, ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। अभी कहाँ है? ये अभी मुझे छोड़ के चली गई। ये देखो, बैग को पहले कभी देखा है? ये तो लाश के गोद में पड़ा था। लाश के गोद में? हाँ। और इसे इसे तो पहचानते होंगे आप? मैं तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इसे। पहले कभी नहीं देखा? कभी नहीं सर, कसम से। ये क्या है? क्या ये? अरे मेरी वाइफ का नेकलेस, एकदम सेम टू सेम। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। ये इस बैग में था, बैग लाश के गोद में थी और लाश दीवार के अंदर थी और वो दीवार उस बंगले में थी जिसे आपने अभी अभी बेचा है। ये सब कैसे हो गया? चलो हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए, चलो। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया, नहीं किया। अरे मैं तो उस बेचारे से इतना प्यार करता था, जब से वो मुझे छोड़ के चली गई मैंने पीना शुरू किया, वो घर भी छोड़ दिया, उसके अंकल से जाके भी पूछा। कौन सा अंकल? राममोहन जी, उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया उसके माँ बाप के मरने के बाद। अरे वो तो मेरे से ठीक से बात भी नहीं करते, उन्हीं को मालूम हुआ कि वो कहाँ। नमस्ते राम मोहन जी, हम लोग CID से। अरे ये क्या हुआ? सॉरी CID का नाम सुनते ही आपने कॉपी फेंक दिया है? नहीं सर फेंका नहीं, वो मेरे हाथ से गिर गया सर। गिर गया? क्यों गिर गया? मैं वैसे ही नर्वस किस्म का आदमी हूँ और ऊपर से CID। हम लोग तो ऐसे ही पूछताछ करने के लिए आए थे, अरुण के बारे में पूछताछ कर। अब क्या किया उसने? नहीं उसने कुछ नहीं किया, बस हमें एक हड्डियों का ढेर मिला अरुण के घर में से और हमें लगता है वो हड्डियां मानसी की है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मतलब आपको मालूम था कि मानसी की मौत होने वाली? नहीं, वो जिस ठग से उसे मारता था वो तो वैसे ही मर जाती बेचारी। किसकी बात कर रहे हैं? अरुण। अरुण? हाँ अरुण, दिन रात दारू पीता है, जब भी मानसी ने उसे बदलने की कोशिश की वो उसे मारता था। पर ये मानसी घर छोड़ के चली गई थी ना? मालूम नहीं वो गई भी कि नहीं। मतलब आपको भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो घर छोड़ के गई थी या नहीं? आप ही तो कह रहे हैं ना कि वहां पर हड्डियां मिली है, तो वो उसी की तो होगी ना। ये क्रैक देख रहे हैं आप लोग, लगता है किसी गोल भारी चीज से मारा किसी। ऐसा कोई हथौड़ा हो सकता है? चोट से खोपड़ी में हेमरेज हुआ और बेचारा सीधा स्वर्ग से धार गया। अभिजीत ऐसा? वो देखो क्या ये तो सर, ये तो आप लोग इतने भौचक्के क्यों हो गए हो? तो और क्या करें? मुझे लगा आपको पता होगा इसलिए मैंने फोन पर नहीं बताया। अरे हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें लाश मिली तो पिलिम्स पर सीमेंट लगा हुआ था। अब तुम्हें तो तभी पता चला होगा ना जब तुमने ये सीमेंट तोड़ा। हाँ ये मुर्दा एक आदमी का है। देखो मुर्दे के साथ में एक लेडीज बैग मिला है और लेडीज बैग में एक नेकलेस भी था,
तो इससे ऐसे लग रहा था कि आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया। वाइफ नहीं घर में, 8 साल से गायब है। क्या 8 साल से? जी क्यों, अब तुम्हें क्यों शौक लगा? अरे बॉस, ये आदमी भी 8 साल पहले ही मरा है। क्या 8 साल पहले मरा? हाँ। सर होना हो इस मुर्दे का, उस बंगले के मालिक अरुण से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अगर मेरे घर की दीवार में कोई मुर्दा मिलेगा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने अपने किसी यार दोस्त को मार के गाड़ दिया दीवार में। क्यों डॉक्टर तारिका? देखो अभिजीत, ये बातें मुझसे मत पूछा कर। क्यों? मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये फंगस मुझे कहाँ पे मिली। हम मुर्दे की बात कर रहे, तुम फंगस की बात कर रही हो। बॉस फंगस से ही पता चलता है ये मुर्दा 8 साल पहले मरा है। ये देखो ये उंगलियों के बीच में ये फंगस, ये देख रहे हो, इसके अंदर काफी जीव जंतु घूम रहे हैं। इसके अंदर? और ऐसा बैक्टीरिया करीब 8 साल बाद ही आता है। सर 8 साल पहले अरुण की बीवी गायब हुई और 8 साल पहले ही ये आदमी गायब हुआ, कहीं ये वो तो नहीं? वो लाश मानसिक ही नहीं है? हाँ मानसिक ही नहीं है, बल्कि वो कंकाल एक आदमी का है। चलो अच्छा मैं बच गया। मैं आपसे पहले कह रहा था लेकिन आप बिना बात पे मुझे भी शक किए जा रहे थे। कैसा बेवकूफ आदमी है, मौत सर पे मंडरा रही है और ये गधे जैसा हंसे ही जा रहा है। सर बीवी जिंदा है, ये खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा? सर बीवी जिंदा है, मगर वो आदमी कौन है जो इतने सालों से दीवार में लेटा हुआ था? है? वो कौन है क्या मालूम? कैसे मारा उसे तुमने? वाकई में मुझे मालूम नहीं। अरुण तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई, मतलब कुछ तो कारण होगा ना, कोई ना कोई वजह तो होगी जो पिछले 8 साल से वो वापस नहीं आई है ना? वजह? हाँ हाँ बोलो। वजह तो उसी को मालूम होगी ना, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? मालूम नहीं। मालूम है, वो आदमी तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड था, तुमने दोनों का खून कर दिया, एक की लाश तो मिल गई है, दूसरी भी कहीं ना कहीं तो होगी। नहीं नहीं वो मानसी का बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं वही है, तो मानसी का हैंडबैग उस लाश के साथ में कैसे था दीवार के अंदर? वो नेकलेस भी मानसी का ही है। सर आपसे मैं पहले भी बोल चुका, वो नेकलेस उस दिन मैंने पहली बार देखा था। सर अरुण हम लोग ये पता लगा के ही रहेंगे कि वो नेकलेस किसने बनाया था। सर मैं सच कह, सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे सर फोन ले लो, घर से फोन आया। लेकिन तुम्हारे घर पे तो कोई है ही नहीं। सर मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि मेरे घर में कौन घुस गया। हेलो तुम अचानक कहाँ से? हाँ हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये कहाँ जाने की तैयारी है? सर मानसी वापस आ गई। मानसी जिंदा? मानसी मानसी अरुण मानसी मानसी तुम 8 साल तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना परेशान हुआ मैं। मेरी याददाश्त चली गई थी बस और मुझे कुछ याद नहीं। याददाश्त चली गई थी। रुकावट के लिए खेद है, अबे याददाश्त वाददाश्त का नाटक छोड़ो, हम यहाँ एक खून के सिलसिले में आए हैं। खून? मानसी हमें आपके बंगले की दीवार में से हड्डियां मिली हैं। हड्डियां? जी आदमी की हड्डियां, एक आदमी का खून करके उसे दीवार में गाड़ दिया गया 8 साल पहले, जब से आप गायब हुई हैं। क्या मतलब? इस बैग को पहचानती हूँ, ये तो मेरा बैग है, ये कहाँ था? मुर्दे के साथ में दीवार के अंदर। मुर्दे के साथ में? और ये नेकलेस तुम्हारा ही है ना? जी हाँ। ये नेकलेस आपके इस बैग में था, इसमें मुर्दा इसे भी साथ में लेके सोया हुआ था। कैसे?
कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा है। सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ। जब इंसान एक बार सीआईडी ब्यूरो में पहुंचता है ना, सब कुछ याद आ जाता है। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मैं सब कुछ भूल क्यों रही हूँ? मानसी, लौड़ने लाइट्स ऑन करो। सर, हमें अपना सामान तो ले जाने दीजिए। आई एम सॉरी, मगर आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते जब तक हमें यह पता नहीं लग जाता कि यहां पर क्या हुआ है। एक बार खूनी मिल जाएगा, वही बताएगा कि सारी कहानी। उसके बाद आप लोग आके यहाँ पे फिर से रह लेना ना। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मुर्दों के साथ कौन रहेगा? यही तो चक्कर है, हमें शक है कि यहाँ पे हमें और भी लाशें मिल सकती है। अंदर दीवार में कुछ है। अरे कुछ है सर, आवाज तो कुछ ऐसी है। तोड़ो सर। नकली थी वह? इसके अंदर कुछ जरूर मिलेगा। वैसा है जैसा पहले वाली लाश के ऊपर था। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। ओह माय गॉड, दीवार में कहीं से तो पानी लीक हो रहा है। कंकाल के कपड़े भी गिरे, देखो संभल के संभल के। दो दो लाशें और एक जैसा निकले। सर ये पेल्विक बोन से लगता है ये लड़की ही है, और ये यहाँ खोपड़ी पे ये चोट का निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस वाले कंकाल में था। लगता है इसे भी हैमर से मारा गया है। कहीं सर दोनों खून इस नेकलेस की वजह से तो नहीं हुए? मानसी, ये आदमी अभी तक बता नहीं रहा था कि वो आदमी कौन है जिसकी लाश मिली थी, और अब तो वहां से एक और लाश निकल आई है। कौन लाश? नहीं नहीं नहीं, अब ये मत बोलना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, बहुत हो गया। कमाल है सर, एक को कुछ याद नहीं है, दूसरे को कुछ मालूम नहीं है। वो इसलिए कि दोनों ने मिलकर किए हैं ये खून। मानसी, वो लड़की कौन है? कौन सी सर? हे भगवान, तू उठा ले मुझे। अरे जल्दी से उठा ले,
ऐसे इतने शरीफ लोग क्यों भर दिए तूने इस दुनिया में जिन्हें मालूम ही नहीं कुछ? वो तो सिर्फ हड्डियां हैं सर, चेहरा दिखाई पड़ता तो देख के बता भी सकती थी। अच्छा तो तुम लोग क्या वहां आंखें बंद करके रह रहे थे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा कि कोई लाशें गाड़ रहा है दीवार में? दिखाई कैसे पड़ेगा सर, इन्होंने तो गाड़ी है। एक चीज दिखाओ। क्या? ये वाली। ये तो मेरा नेकलेस है। नहीं 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 नहीं, अरे यही तो दिखा था आपने। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये तो हमें नए वाले मुर्दे के गले में से मिला है। दूसरी लाश के गले में था और वो लाश एक लड़की की। आपका वाला नेकलेस ये है। एकदम एक जैसे ही नेकलेस। मानसी, ये नेकलेस खरीदा किसने था? अरुण। अरे क्या सर? अरुण, अब तो बता दो कि तुमने ये नेकलेस कहां से खरीदे थे? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ तुम्हें भी याद नहीं है? सर ये दोनों कौन सी चाय पीते हैं कि दोनों की याददाश्त चली गई है? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हमारा ऑफिसर विवेक लगा हुआ है एक एक ज्वेलर के पास जाके पूछताछ कर रहा है। जैसे ही पता लगेगा कि ये नेकलेस कहां से खरीदे थे, सुंदरदास का नाम सुना है? सुंदरदास? सुंदरदास? ओ हो, वो सुंदरदास। देखिए अब जाके याद आया मुझे, और शायद वो नेकलेस मैंने उन्हीं से खरीदा था। हाँ मान गए आप लोगों को। आपको भी मानना पड़ेगा अरुण जी, आपने एक नहीं दो दो नेकलेस खरीदे थे। वो दूसरा वाला नेकलेस किसको दिया था? वो दूसरा वाला नेकलेस किसको दिया था? वो मैंने शिखा को दे दिया। शिखा? ये शिखा कौन है? मैं शिखा से मिला करता था मानसे से छुप छुप के। ये शिखा है कहाँ? शिखा तो यहाँ नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वो भी मुझे छोड़कर चली गई। कब? 8 साल पहले। हाँ? 8 साल? मानसी तुम्हें छोड़ के गई 8 साल पहले, और 8 साल पहले ही शिखा भी तुम्हें छोड़ के गई? हाँ? वो मुझे बंगले में मिलने के लिए आने वाली थी जब मानसी घर पर नहीं थी। बस ना तो वो आई और ना ही आज तक कभी मिली। अब तो तुम और भी बुरी तरह से फंस गए हो अरुण। वो लाश शायद शिखा की है। अपना सामान पैक करो, समझ में आया? चलना है। ये सब तुम्हें जेल में काम आएगा। प्लीज चलो। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये जो तुम नाटक कर रही हो ना याददाश्त गायब होने का, ये सच है कि नहीं ये देखना है हमें। चल वहां पे आप क्या करने वाले? लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। आपके अंदर जो सच छुपा हुआ है ना उसको बाहर निकालेंगे हम लोग। एक सेकंड, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बहुत जल्दी याद आ गया सर। चलो अब याद आ ही गया तो बता दो ये तुम्हारी याददाश्त गई कैसे? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एक दिन एक ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, सामने से एक वैन आई, उसने मुझे टक्कर मारी और मैं नीचे गिर गई। मेरा सिर डिवाइडर के साथ टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। और होश आया तो 8 साल बीत चुके थे। अच्छा ये 8 साल तक तुम थी कहाँ? मैं डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ के घर पे थी। डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ? बड़े दयालु लगते हैं तुम्हारी ये डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ। 8 साल तक देखभाल की तुम्हारी। जी मिलना पड़ेगा। कमाल है, डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ अपना घर छोड़ के भाग गया।
सर वो लड़की शक्ल से ही चोर लगती है। नहीं नहीं, उसकी याददाश्त चली गई है और तुम कह रही हो वो चोर है, है? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसको पूछते हैं। अरे सुनो भाई, ये यशपाल जी जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ चले गए? कौन रहते हैं? डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ। ये कौन है साहब? इनका नाम तो पहले कभी नहीं सुना। अरे यार, यशपाल के घर के सामने दिए दुकान लगा के बैठे हो और बोल रहे हो उनका नाम नहीं सुना? यहाँ पे कोई यशपाल नहीं रहता साहब। ये जो बिल्डिंग है ना, बहुत बड़े बिल्डर के पास में, जब वो कोर्ट में केस जीतेगा तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा इधर। अभिजीत, यहाँ ये यशपाल नाम का दयालु आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मानसी ने हमें कहा कि वो 8 साल से यहाँ रह रही है। वही तो सर, ये मानसी दो दो खून करके भागी है। इसे पता चल गया कि इसके हस्बैंड का शिखा के साथ में अफेयर है, इसलिए खून कर दिया उसने उसका। गिरफ्तार कर लो उसे। दरवाजा खोलने रही है, मजोड़ो दरवाजा तोड़ देते। मानसी, मानसी सर, कोई नहीं है। शी इज डेड। जूते के निशान देखा? एक ही आदमी के जूते हैं, एक 9 नंबर का और एक 10 नंबर का। आई आई, एक काम था आपसे। काफी थके हुए लग रहे हैं। थके हुए तो हैं। आइए बैठे। 50 दुकान में घूम के आ रहे हैं। 50 दुकान घूम लिया आपने, फिर भी कोई जूते पसंद नहीं है? देखो, हम लोग CID से, हम लोग ये वाले जूते ढूंढ रहे हैं। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये जूते पहने हुए थे। जूते से कैसा पता चलेगा? ये लेफ्ट वाला जूता 9 नंबर का है और ये 10 नंबर का। अच्छा अच्छा, 2 आदमी हैं, अलग अलग हैं? आदमी एक ही है पर वो अलग अलग नंबर के जूते पहनता है। ये खून का मामला है। इस आदमी ने एक लड़की का खून किया है। तो हमारा एक कस्टमर है जो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदता है, यही वाला, और दोनों में से एक एक जूता फेंक देता है। बाएं पैर में 9 नंबर और दाएं पैर में 10 नंबर का जूता पहनता है। कौन है ये? सर उसका नाम दीपक है। दीपक, ये देखिए। हाँ सर, बिल्कुल यही है। दीपक जी, आपको फिर से देखकर बड़ी खुशी हो रही। आप लोग यहाँ, ये क्या है? गिफ्ट है CID टीम की तरफ से आपके लिए, एक गिफ्ट, खुशी में गिफ्ट। खुली खुली खुली, ये देखो। गिफ्ट अच्छी लगी? मगर ये गिफ्ट किस लिए? ये उस खुशी में है। किस खुशी में? क्या आप लोगों को पता लग गया कि वो खून किसने किए? नहीं नहीं, वो तो पता नहीं चला, लेकिन एक खूनी का पता चल गया है। मानसी के खूनी का पता चल गया है। मानसी के खूनी का? कौन है वो? एक ऐसे खींच के दूंगा ना, समझा? बताता हूं, मैं वहां गया था मगर मैंने उसे मारा नहीं है। अच्छा,
तो वहां पे डांस करने गया था 9 नंबर 10 नंबर के जूते पहन के, खून से सने हुए जूते, निशान है हमारे पास, ये देखो। मैं अरुण के पास पैसे वापस लेने गया था, मुझे उस लाश वाले बगले में नहीं रहना था। तो फिर वो अरुण मिला वहां पे? नहीं नहीं, वहां तो मानसी की लाश पड़ी हुई थी और कोई वहां से भाग रहा था। भाग रहा है? कौन था वो, तुमने देखा उसे? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अरे तो उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? खून देखकर मैं तो खुद बेहोश होने वाला था, पकड़ता कैसे? और वहां मानसी कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या क्या कह रही थी वो? कुछ ऐसे स्टोर 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 क्या हो सकता है? वही कोई कमरा होगा ना जहां मानसी का खून हुआ। अरे बाप, ये स्टोर रूम तो भरा पड़ा। कबीर हाथ लगाना जरा। बेटी, स्टोर रूम है तो और क्या होगा, सामान ही तो होगा ना। फिर भी सर, ढूंढेंगे क्या यहाँ पे? अरे जिस आदमी का खून हुआ वो मरते वक्त किस चीज की बात करेगा? बीवी की। फ्रेडरिक, सॉरी सर, वो उसी चीज की बात करेगा ना जिसकी वजह से खून हुआ है। कुछ पैसा हो सकता है सर, या सोना हो सकता है, या जायदाद के पेपर्स। हाँ, पैसा और जायदाद, ज्यादातर खून इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, स्टैम्प पेपर फटा हुआ, मानसी की वसीयत। ये तो मानसी की विल है, मानसी से ने फाड़ दिया है इसे। टेलीफोन नंबर भी है 2917-51017। मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। आप किसी मानसी नाम की लड़की को जानते हैं? जानते हैं? ओ, आपने विल बनाई थी उसकी। आपको मालूम है कि उसकी मौत हो चुकी है? जी जी। क्या क्या? ओह सर, ये मानसी का वकील है श्याम सुंदर, इसका कहना है कि मानसी की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद उसके पति अरुण को मिलने वाली है। सारी जायदाद अरुण को मिलने वाली है? अरुण कहाँ है? अरुण वो तो 10 मिनट पहले निकल गए। 10 मिनट पहले निकल गया? कहाँ निकल गया वो, जल्दी बताओ कहाँ निकल गया? पता नहीं साहब, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। किसी से फोन पे बात कर रहे थे सर। कुछ तो सुना होगा, कौन था वो? नहीं साहब, बस बार बार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चिल्ला रहे थे। अच्छा, वो मोबाइल पे बात कर रहा था या इस फोन से? साहब इस फोन से। तो फिर देखो देखो कहां कहां से फोन आया था, शायद लग जाए। सर नंबर है 1909876 43। सर ये नंबर तो सुना हुआ लगता है। सुना हुआ लगता है तो फिर जल्दी बताओ कावेरी, हमारे पास टाइम नहीं है। किसका नंबर है ये? ये तो राम मोहन का नंबर है सर। राम मोहन का नंबर? यहां तो कोई भी नहीं है, फिर राम मोहन ने फोन क्यों किया था? आप लोग आके मुझे बचा लिया, वरना तो ये आदमी मुझे जान से मार ही देता। पैसों की लालच में खून करने वाला था इनका? सर मैं नहीं, वो मुझे मारने वाला था। अच्छा, वो तुम्हें मारने वाला था और तुम गला घोट रहे थे उसका? नहीं सर, सर मैं उसे जायदाद के पेपर छीन रहा था। सर उसे रोकिए सर, वो खूनी है। छोड़ उसे, बस करो। ए, कर देखो,
इसकी स्किन फेंक दो वरना मैं इसकी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। कर भाई आप फेंक दो और चलो इस मोटे को बुलाओ बैठ जा। प्रेटिक बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा सर, इसने मुझे मोटा कहा। प्रेटिक बैठ जाओ नहीं तो वो विवेक को मारेगा। बैठ जाओ। और तुम लोग भी कन फेंको। ओके ओके अब तक इसे अकल नहीं आई है। ठीक है देखो उसे फेंको। ओके ओके दे अपनी गन फेंक दो। हैं आप लड़का भगत मैं नहीं मानसी को मारा है। मैं नहीं मारा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया मगर मेरी नजरें उसकी प्रॉपर्टी पे थी इसलिए मैं चाहता था कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो सिर्फ मेरी बात माने। अरमान सिंह ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। नहीं उसने बेवकूफ से शादी की। मेरा सारा का सारा पद ट्रांसफर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि मैं मानसी का खून कर देता हूँ और फिर मैं खून करने गया भी पर मैंने मानसी को मार भी डाला मगर बाद में देखा मानसी नहीं थी वो तो कोई और ही लड़की थी। और वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें दीवार में मिली? वो तो सच कोई चोर था जिसने मानसी का पर्स और नेकलेस चुराया था। कभी खून कर दिया सर। जब तुम्हारे जैसे रिश्तेदार हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? विश्वास उठ जाता है अपनों पर से जब वो लालची बन जाते हैं। तीन तीन खून किए तुमने जायदाद के लिए। चलो अब तो भगवान का नाम ले लो क्योंकि या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर जिंदगी भर के लिए जेल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.